है, लेकिन ये हालात तो उनके लिए भी वैसे ही होने चाहिए। बजट पेश किया गया देश की वित्त मंत्री द्वारा, एहसान किया गया हम पर ये कहकर कि हम करों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि आप बढ़ोतरी करते करो में, लेकिन हम आपसे ये जरूर उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई, महामारी, बेरोजगारी के चलते आप करों को कम करेंगे, आप टैक्स को कम करेंगे और जो जख्म है उसमें मलहम लगाने का काम करेंगे, लेकिन आपने टैक्स कर कहीं पर भी छूट ना देकर उन जख्मों को ठीक उसी तरह उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया है और वो जख्म अपने आप नहीं भर रहे। और अब समझ आता है कि ये जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, छोटा गैस का सिलेंडर, मैंने कहा आप बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक कमरे के मकान में जो गरीब मजदूर का परिवार रहता है वो छोटा एक सिलेंडर जो 5 किलो का खरीदता है उस पर भी सीधा 27 रुपए, सीधा 27 रुपए आपने बढ़ाकर उसकी जो कीमत है लगभग लगभग 570 रुपए कर दी है। अगर 4-5 लोगों का एक परिवार है गरीब का, मजदूर का, तो एक सिलेंडर में गुजारा नहीं होगा, उसे 2 सिलेंडर चाहिए, यानी कि सीधा महीने का आपने उस पे 60 रुपए, और एक गैस का सिलेंडर अगर 570 रुपए, तो आप सोच लीजिए आपने उस पे 1200 रुपए सीधा जो है वो बोझ डाल दिया है। अगर हम आपको याद दिलाएं, ये मैं नहीं, भारत सरकार की वेबसाइट पे बताती है कि दिसंबर 2021 तक केंद्र की भारत सरकार, मोदी सरकार ने सीधा सीधा देश के गरीब मजदूर मध्यम वर्गी के जेब में हाथ डालकर जबरन अभी तक पेट्रोल और डीजल से, मैं कहूं तो 25 लाख करोड़ रुपया, जी हां 25 लाख करोड़ रुपए की सीधी वसूली की है, लेकिन ये वापस राहत के तौर पर जनता को मिलते हुए कहीं भी दिख नहीं रहा है। हम सबकी मांग है कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता दिखाए, लोग महामारी से उनके उद्योग धंधे, जैसे श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा 60 लाख के करीब हमारे एमएसएमएस डूब चुके हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार का देने का काम, राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि दो पूंजीपति मित्रों के बड़े उद्योगों से इतना रोजगार नहीं पनपता मिलता जितना छोटे छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा होते, और उन रोजगार पर आपकी जो है वो चोट सीधे मिलते हुए दिख रही है। बेरोजगारी, महंगाई, महामारी में आप वो जख्म हैं उसमें मलहम की इलाज बजाय इन्हें कुरेदते हुए दिख रहे हैं। ये 2 रुपए दूध, 27 रुपए 5 किलो का सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर में सीधा 105 से 108 रुपया सुनने में आ रहा है, हमारे घरेलू गैस के सिलेंडर पे बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे हमेशा गंभीरता से लिया है, जब जब सदन लगा है कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोगों को राहत देने के लिए आवाज को उठाया है, सदन नहीं है तो सड़कों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर संगठन, हमारा युवा कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, देश भर की कांग्रेस इकाइयां सड़कों पर उतरकर केंद्र की भाजपा सरकार को मजबूर करेंगी कि आपने जो तमाशा, जो ढोंग चुनावों के वोटों के मद्देनजर कुछ प्रतिशत एक्साइज पेट्रोल डीजल एलपीजी पर घटाकर की थी, आज जैसे ही चुनाव खत्म हो रहा है दोबारा आप इसे बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने नहीं देगी। हम सड़कों पर उतरकर पूरी तरह आंदोलन करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आम जन को इस महंगाई की मार से, जो मानव निर्मित, जो मैं कहूं मोदी निर्मित आपदा और महंगाई है, इसे हम पढ़ने नहीं देंगे। इस आवाज को हम देश के लोगों को यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के उन करोड़ों लोगों के साथ खड़ी है, जो आज भी ये दावा किया जाता है, आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकारी मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी उन्हें अपने पैरों पर खड़े करके महंगाई कम करके राहत देने की बात हो, रोजगार देकर जो है राहत देने की बात हो, या फिर हम कहें कोरोना महामारी में जो राहुल गांधी जी ने कहा था 4 लाख जो है कोरोना न्याय, हमने जो मुहिम छेड़ी थी उसके तहत जो राहत देने की बात हुई थी, कहीं पे भी देते हुए नहीं देख रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के उन 80 करोड़ लोगों के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों को यकीन दिलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस असंवेदनशील सरकार के सामने आपको लगातार पड़ रही मार
से राहत के लिए आंदोलन करेगी, सड़कों पर आएगी और आपके साथ हम खड़े हैं। किसी तरह की भी हताशा और निराशा को नजदीक मत आने दीजिएगा। हमें मालूम है, मैं एक वाक्य दिल्ली भारत की राजधानी का बता रही हूं, एनडीएमसी के कर्मचारी अपनी नौकरियों को पक्का करने, हमारी दिल्ली के अंदर ही हमारी आंगनवाड़ी बहनें अपने 3 महीने के वेतन को लेकर संघर्ष कर रही हैं। और कल एक एनडीएमसी के कर्मचारी ने, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, मांगों को नहीं माना और एक युवा ने फांसी के तख्ते पर अपने यूसी सरकारी दफ्तर में कल अपने आप को फांसी लगा ली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं कोई सही संदेश नहीं दे रही। युवा कहें, देश कहें, हताश और निराश होकर इस तरह के कदम उठा रहा है। हम अपील करते हैं कि लोगों को हताश और निराश होकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आप ही के अपने परिवार को एक लंबे समय तक इस मार से जो है वो गुजरना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल इस देश के लोगों के साथ खड़ी है, गंभीरता से खड़ी है और सरकार पर हम सब आपके साथ खड़े होकर दबाव बनाएंगे ताकि इस बढ़ती महंगाई की मार से आपको राहत मिल सके। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, खुदरा महंगाई दर जो है वो पहले ही अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो अब चुनाव भी खत्म हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो पिछले 1.5 महीने से नहीं बढ़े थे वो अब बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या क्योंकि खुदरा महंगाई दर पर जो पहले से ज्यादा है, तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो उसको उस पर क्या आम लोगों को क्या इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है जो वाहन है, मालवाहक वाहन, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो उन्हीं में तो वो सब्जियां और सामान, खाद्य सामग्री आती है, सीधा प्रभाव पड़ेगा और सीधा इसका जो खामियाजा है वो देश की आम जनता को ऊपर पड़ेगा, सीधा उनके जेब पे डाका मारे पड़ेगा। तो बिल्कुल ये जो आप बता रहे, तेल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, दो आप कह रहे हैं सरकारी राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं, वो बहने कल भी मैंने एक जनसभा की और आज भी 4 बजे अपनी चांदी चौक विधानसभा में जनसभा करूंगी, लोगों का खुद कहना कि ये मुफ्त राशन से हमें पकाने के लिए कच्चा राशन नहीं फाकेंगे हमारे बच्चे, उसके लिए हमें सिलेंडर चाहिए, हमें दालें, हमें आपका तेल चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी में, दिल्ली जैसी राजधानी में, जहां उम्मीद की जा रही थी कि एक दूध दारू की बोतल के साथ, आपने नजारा देखा है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर कि शराब की दुकानों में एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिलती है, वही महिलाओं ने मांग की जब एक दारू की बोतल से दूसरी दारू की बोतल फ्री मिल सकती है तो बच्चों के लिए एक दूध की थैली के साथ आप दूसरी दूध की थैली मुफ्त क्यों नहीं दे सकते? उम्मीद की जा रही थी होगा ये कि महिलाओं की यह आवाज सरकार सुनेगी और एक दूध की थैली के साथ हमारे खास जो कुपोषण के शिकार 10 लाख बच्चे उनको मिलेंगे, लेकिन सुनने में आता है सुबह 1 मार्च को उठते हैं कि उस एक थैली की दूसरे थैली के साथ फ्री की बात तो छोड़िए, दूध की 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत बढ़ा दी गई है। इवन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, दोपहर का पका हुआ भोजन हमारे बच्चों को जब से स्कूल खुले नहीं मिल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हवाला दिया है कि हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम सरकार इन्हें महामारी के दौरान से अभी तक मुफ्त कच्चा राशन दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, मुफ्त कच्चे राशन का दोपहर को सरकारी स्कूलों में गरीब मजदूर के बच्चे को जो भोजन मिड डे मिलता है उससे क्या लेन देन है? उसका इसका बजट अलग है और आप कभी हवाला देते हैं कि 50% बच्चे आ रहे हैं, जब 100% बच्चे आएंगे तब हम उस बच्चे का जो हक है मिड डे मील पर, दोपहर के पके भोजन पर, पौष्टिक आहार पर तब देंगे। आप 50% बच्चों को उनके हक, उनके अधिकार, उनके जो हमारी खाद्य सुरक्षा का अधिकार है उसे वंचित कर रहे हैं और ये आवाज कांग्रेस लगातार उठा रही है। सो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, ये तो अभी शुरुआत है। अगर हम लोग उठ खड़े हुए नहीं, सड़कों पर नहीं आए, जनता नहीं सड़कों पर आकर इस सरकार को मजबूर करेगी तो ये मार इतनी है कि ये जख्म आने वाले समय तक भरने नहीं वाले, ये नसीर बन जाएंगे और जो मुझे लगता है हमारी पीढ़ियों को तबाह कर सकते हैं। पीढ़ियों की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि दूध उसके मुंह से छीना जा रहा है, कुपोषण का शिकार होकर वो 5-10 साल का बच्चा दम तोड़ रहा है, इसलिए वो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। ये जो मार केंद्र की मोदी सरकार से पड़ रही है। अलका जी, सरकार आपने तमाम महंगाइयों का हवाला दिया, अगर वित्त मंत्री की बात करें, कल उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध का असर
भारत के कृषि क्षेत्र पर होगा और महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ेगी। वहीं जापानी रिसर्च एजेंसी नोमुरा की अगर बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि युद्ध अगर बढ़ा तो सबसे ज्यादा असर एशिया में उसका भारत पर पड़ेगा, महंगाई बहुत तेजी से आ जाएगी और जिस तमाम चीजों के दाम पहले से बढ़े थे और अगर ऐसे महंगाई और बढ़ती है तो भारत सरकार क्या कदम उठाना चाहिए जिससे ये इस पर कंट्रोल कर सके। देखिए मैं आपसे कहूंगी, क्रूड ऑयल की कीमत जो है $100 प्रति बैरल के करीब करीब है, लेकिन 2013 और 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाथ जोड़कर कहूंगी उठाइए उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या थी और देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत क्या थी। अंतरराष्ट्रीय जो भी हालात पैदा हो रहे हैं, मैं फिर दोहरा रही हूं, क्या वो भारत के लिए ही है? एशिया में सिर्फ एक भारत ही देश बसा हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनमें असर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरकारें अपने खजानों को जनता के लिए रखे हुए हैं, राहत देने के लिए रखे हुए हैं और वहां कीमतें नहीं बढ़ती जितनी भारत में बढ़ती है, क्योंकि भारत का जो पैसा है, मैंने फिर कहा प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ के जहाज पर फूंकते हैं, प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो महामारी के बीच में शुरू किया जाता है, हालात अच्छे होते, बेहतर होते, हमारे खजाने भरे होते, लोगों में खुशहाली, रोजगार होता, महंगाई की मार ना होती तो आप करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मैं फिर कह रही हूं ये आपदा मोदी निर्मित मानव निर्मित आपदा है जो देश पे थोपी जा रही है, ये कोई हमारी नेचुरल डिजास्टर आपदा नहीं है। तो मैं फिर कहूंगी ये सब बहानेबाजी है, जुमलेबाजी है, चुनावों के मद्देनजर, सिर्फ 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर 5 रुपया पेट्रोल डीजल पे एक्साइज जो कम किया था, चुनाव खत्म हो गया, जुमलेबाजी भाषणबाजी खत्म, अब सरकार को दोबारा लूटना है और लूट का काम शुरू कर दिया है और अगले चुनाव तक ये जारी रहेगा। 2022 के अंत में गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव है और आप देखेंगे ये राहत तब तक मिलेगी जैसे ही चुनाव आएगा, फिर इन दोनों राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, फिर आएगा राहत का दौर शुरू होगा। लेकिन जब चुनाव नहीं है तो राहत नहीं है, हवाला आप जितना मर्जी दीजिए। मैं फिर सहमत हूं आपसे, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह रहे हैं उसका असर एशिया और एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई बेरोजगारी का भारत पे आएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं यूक्रेन एशिया का ये जो संकट पैदा हुआ है ये कितने दिनों से है? केंद्र की मोदी सरकार तो 8 सालों से है और 25 लाख करोड़ आपने पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाकर तो वसूला था, तब तो कोई यूक्रेन रशिया का संकट नहीं था। तो आज इस संकट का हवाला देकर, जुमलेबाजी करके, लोगों को मूर्ख बनाकर या मूर्ख समझकर आप ये कहेंगे, लोगों के गले से ये बात उतर जाएगी, ये होने वाला नहीं है। देश की जनता जागरूक है, समझदार है। उत्तर प्रदेश के अंतिम 2 चरणों में आपका सुपड़ा पूरी तरह साफ हो रहा है, आपको हार दिख रही है, इसलिए अब आपने सोचा कि अब उगाई में देरी ना की जाए, जितना आप उगाना है उगा लीजिए। 5 चरण के चुनाव तक आपकी उम्मीद थी, इसलिए आपने जो कम कीमतें कम की थी उसको दोबारा आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन जैसे ही अब चुनाव खत्म है ये बढ़ा रही है। लोगों को भी समझना होगा कि ये सरकार जुमलेबाजी से मूर्ख बनाकर या मूर्ख समझती है और इनको समझाना होगा कि देश मूर्ख नहीं है, देश इन जुमलेबाजियों को समझ रहा है और देश कांग्रेस के साथ, कांग्रेस देश के साथ दबाव बनाएगी, बड़ी कीमतों को हम बढ़ने नहीं देंगे। अलका जी, यूक्रेन से जुड़ा हुआ सवाल है, सरकारी कहरी वहां के जो छात्र है वो मुफ्त में भारत लाया जा रहा है और कुछ छात्र यहाँ पे जो आ चुके हैं कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा खर्च किया है और पैसा मांगा भी जा रहा है, आपका क्या राय है इस पर, आपका क्या जानकारी? देखिए एक माँ हूं और मैंने माओ को रोते हुए, पिता को रोते हुए देखा है क्योंकि उनके बच्चे वहां से ऐसे वीडियो भेज रहे हैं कि कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब क्यों देखती रही? क्योंकि शायद देश के प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों लोगों को निकालना नहीं था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, लगातार चुनाव में वो व्यस्त रहे, जो कदम समय रहते हुए उठाने थे वो आपने नहीं उठाए और 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको याद दिलाना चाहती हूं, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का गठन किया गया था, 500 करोड़ का इसका अपना फंड था। ये इसीलिए 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा फंड का गठन किया गया कि कभी भी ऐसे हालात किसी भी देश में पैदा होते हैं, हमें अपने भारतीयों को निकालना होगा तो इस फंड का हम तुरंत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखने में आया कि ये ऐसा कोई फंड है, इसकी याद हमें भारत सरकार को दिलानी पड़ी। कब दिलानी पड़ी? जब पता लगा कि अभिभावकों ने कहा कि जो एयर फ्लाइट की कीमत भारत से यूक्रेन की
25 से 30 हजार रुपया होती थी, उसके लिए 70 से 80 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं एयरलाइंस के द्वारा। बच्चों के पास पैसे नहीं है, सारा सिस्टम वहां का चरमरा चुका है, पैसे भेजे नहीं जा रहे, एटीएम में मीलों की लाइनें लगी हुई है पैसा निकालने के लिए। जब यही याद दिलाया गया तो अब इस फंड से जो 4-5 जहाज 1,200 जो छात्र वापस आए हैं, इस फंड से अब उन्हें निकाला गया है। लेकिन जब तक याद नहीं दिलाया गया था तब तक आपदा में फंसे उन छात्रों, युवाओं, उन बच्चों से वसूला जा रहा था, और हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई, श्री राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, तब इस फंड का जो कांग्रेस की सरकार में बना था इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है भारत की सरकार अभी भी, मंत्री जी हवाई जहाज में पहुंचते हैं, एक भाषण देते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कराते हैं, सेल्फियां जबरन, छात्र आपके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता है नहीं, इन्हीं के नेता आपको कहते हुए, मुंबई की इनकी एक नेता अपने नेता के साथ कह रही है सब हो जाएगा, पहले एक सेल्फी ले लीजिए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है, ये इनकी संवेदनशीलता है। चार जहाज में जाकर आप प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे आज भी हजारों हजारों छात्र वहां फंसे हुए हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि हम वहां की एम्बेसी में लगातार कॉल कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं, हमें कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज दिया है। आपको पता है यूक्रेन कीवी की राजधानी से बॉर्डर कितना दूर है, क्या व्यवस्था है, मिलो चल के छात्र राजधानी से बॉर्डर तक पहुंच जाइए, क्यों आपके मंत्री रशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके सुरक्षित बिल्कुल कीव जो राजधानी है यूक्रेन की वहां जाकर वहां से अपने सुरक्षित जहाजों में बिठाकर आपके मंत्री नहीं लाते, आपके मंत्री हिम्मत नहीं कर रहे कि यूक्रेन के बॉर्डर को पार करके यूक्रेन के अंदर आकर अपने छात्रों के बीच में, एक एक मंत्री को तब तक रहना चाहिए जब तक वहां एक छात्र भी है। अगर मैं आपको यकीन दिला रही हूं, देश के प्रधानमंत्री अगर श्री राहुल गांधी जी आज होते और हमारी सरकार होती तो हम कीव यूक्रेन की राजधानी में तब तक आपको दिखते जब तक एक एक छात्र भारत का सुरक्षित अपने परिवार में ना लौट आता। मंत्री भेज रहे हैं, सरहद पे खड़े रहेंगे, सरहद तक पहुंच जाइए, किसी तरह भी पहुंच जाइए। आपको वो जारी किया गया कितना भद्दा मजाक था कि अगर आपको कोई रॉकेट आता हुआ दिखे, कोई बम आता हुआ दिखे, आसपास कहीं कोई स्थान मिले वहां जाके छुप जाइए। ये संवेदनशील सरकार है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज मुझे वो लोग सुन रहे होंगे जिनके हजारों हजारों बच्चे, मैं धन्यवाद करती हूं आप जैसे पत्रकार साथियों का जो ये सब सवाल करते हैं, तो जो अभिभावक हैं उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात कर रहा है, ये भद्दा मजाक क्यों इस समय पर किया जा रहा है, क्यों समय गवाया गया। आपके रशिया के राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छे संबंध है प्रधानमंत्री जी, और देश के भी हैं, समय रहते आपने उनको कहना था हमें 3-4 दिन का मोहलत दीजिए, हमें आप जहाज दीजिए, हम अपने भी जहाज देंगे और हम अपने 17-18 हजार छात्रों को सुरक्षित दिन रात सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंटरनेशनल जो चलती हैं आप बंद कर देते एक हफ्ते के लिए। कोई देश का अगर किसी को अमेरिका जाना है, चाइना जाना है, कहीं भी देश के कोने पर, हम सब कहते कि रद्द करिए हमारी टिकटें, हमें पैसा भी वापस नहीं चाहिए, लेकिन इन जहाजों को सभी को आप डाइवर्ट करिए यूक्रेन की तरफ, और रात रात के अंदर आपको 2-3 दिन के अंदर इन सभी जहाजों को एक तरफ डाइवर्ट करके सुरक्षित निकालकर देश में लाना था। लेकिन आपकी प्राथमिकता पर वो सब नहीं था, और आज बहुत दुख और चिंता के साथ कहना पड़ता है अभी भी हमारे बच्चे, इस देश का भविष्य, जो अपना भविष्य बनाने के लिए देश छोड़कर वहां जाने को मजबूर हुए, आज फंसे हुए हैं। मां बाप के आंसू मुझे लगता है सरकार की संवेदनाओं को हिला नहीं पा रहे हैं। अभी भी मैं कहूंगी गंभीरता दिखाइए, बिना समय गवाए तुरंत एक एक नागरिक को, एक एक छात्र युवा को सुरक्षित निकालिए। मैं वही कह रही हूँ, ये कागजी कार्रवाइयां कब तक आप करेंगे? आप कह रहे हैं निकलें, आप मुझे समझ नहीं आ रही है, आप दिल्ली से निकलने को कह रहे हैं और हरियाणा पहुंचने को बोल रहे हैं, आप कीव से निकलकर कहां, और हर राज्य जो आसपास देश है, मैं कल पोलैंड के राजदूत का भी एक ट्वीट देख रही थी, वहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि काफी छात्रों को पोलैंड का जो है अंदर नहीं जाने दे रहा यूक्रेन के बॉर्डर से। मुझे खुशी है कि उनके राजदूत ने तुरंत इस बात की जिम्मेदारी ली, इस बात को सुनिश्चित किया है हमारे वहां से राजदूत जो है उनसे बात करके कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसी तरह हमारे तक ये बातें आ रही हैं।
एक राज्यसभा सांसद ने इस बात को उठाया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार का यूक्रेन से लगे देशों की राजदूत जो है उनके साथ एक संवाद की भारी कमी भी महसूस हो रही है कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया से सामने आ रही हैं, छात्र अपने वीडियो भेज रहे हैं। एक जगह तो हमारे छात्रों को पीटते हुए वहां की जो रशियन सेना को दिखाया गया है, कहीं बच्चे हमारे बंकर्स के अंदर जो हैं, मेट्रो कहें मॉल्स कहें, भूखे प्यासे आप समझ नहीं सकते। आप अपने आप को एक बार उन हालात में लाइए, आप कितने दिन का खाना अपने पास रखेंगे। बर्फबारी ठंड में वो बच्चे बिना नहाए धोए खाए पिए एटीएम की लाइनों में पैसा निकालेंगे, लेकिन कौन सी दुकान खुली है आप खाना मिलेगा। कहना आसान है कि आप निकलिए आप बॉर्डर की तरफ चलिए, अरे मिलो चल के थक कर सौ सौ हजार लोग, 1200 बच्चे 2000 ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक जहाज में 250 से ज्यादा आप छात्रों को नहीं ला सकते और आपके अभी तक सिर्फ 4 से 5 जहाज पहुंचे हैं। हजारों छात्रों, बहुत से छात्र लापता है, खुद उनके अभिभावक फोटोएं डाल रहे हैं अपने बच्चों की कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ है, लापता है। और यहां पर यहां तक तो एक हमारी जो फंसी हुई छात्रा, उसने तो मध्य प्रदेश में एक बात भी की कि मैं मध्य प्रदेश से, और उनको वहां से मदद की जब बात की कि वहां के मुख्यमंत्री को कहिए, तो वहां के अधिकारी जिसने भी फोन उठाया, वीडियो वायरल है, कहा कि वहां के पुलिस थाने में जाकर आप बात करिए, यहां का मामला है मध्य प्रदेश का तो मैं सुन लूंगी यहां थाने में, लेकिन अगर यूक्रेन का है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वहां के पास के थाने में जाइए। ये आपने खुद सुना होगा ये वीडियो, मजाक है ये मैं पूछ रही हूं। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार आपदा आई है, पहली बार संकट आया है इस तरह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर भी इस तरह के बहुत बार आई है कि देश की भारत की सरकार ने सक्रिय होकर किसी से टिकट नहीं वसूली, पूरी गंभीरता के साथ संवेदनशीलता के साथ बिना जुमलेबाजी बिना विज्ञापन बिना प्रचार बिना सेल्फी के काम किए हैं। अलका जी सर, तमाम कवायद के बावजूद अब तक जो है 2000 से भी कम छात्र आ पाए, अगर कुल छात्रों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 20,000 है। अब सरकार ने जो कवायद की आप संगंगा या चार मंत्रियों को भेजने का काम किया है, क्या लगता नहीं ये बहुत देर हो चुका है? दूसरा, जैसा आपने कहा कुछ छात्र गायब है, कुछ खबरें ऐसी भी आई कुछ छात्राओं को सेना के लोग उठा ले गए हैं, जैसा कि उनके परिवार वालों ने चिंता जाहिर की है। देखिए, इन बातों की पुष्टि केंद्र की सरकार कर सकती है। हम मांग करते हैं केंद्र की सरकार अगर जरूरी समझे तो देश के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास मिले क्या सच्चाई है, क्योंकि बहुत सी अफवाहों के बाजार गर्म हो रहे हैं, बहुत सी न्यूज चल रही हैं, नहीं पता सच्चाई क्या है। सरकार चुनाव में व्यस्त है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, पूरा अभी उत्तर प्रदेश के 2 चरण के चुनाव में हमें दिख रहे हैं। हम ये कहते हैं आप हमें हालात बताइए, ताकि हम जिन जिन राज्यों के भी, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को वहां के छात्रों से सीधा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस करते हुए बात करते हुए सुना है। आप अपने मुख्यमंत्रियों को ही बुला लीजिए, देश के मुख्यमंत्री जिन जिन राज्यों के लोग फंसे हैं, क्या वो मदद कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, किस तरह से अभिभावकों को बुलाकर एक संवाद स्थापित करके उनकी चिंताओं को आप उनकी कम कर सकते हैं, ये करना है। पर सरकार ऐसे करते हुए दिख नहीं रही है। सरकार ने पूरा हर बार, जैसे कोरोना महामारी में राज्यों पर छोड़ा, अभी भी ये जो संकट देश पर आया है आपने राज्यों पर कर दिया है कि आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कौन क्या कर सकता है। सो बहुत दुख की बात है, आपने सही कहा 20-22 हजार के बच्चे हैं, उसमें से 2-2.5 हजार बच्चे आए हैं, और उन्हीं को इस तरह से कभी गंगा कभी यमुना, यानी कि आप इन तरह के नाम देकर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक भावनाओं से खेल जाएंगे, तो मुझे लगता है शर्म आती है। इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार, गैर जिम्मेदाराना सरकार शायद ही हमने आजादी के 70 सालों में कभी देखी होगी, जिसकी प्राथमिकता पर देश कभी नहीं रहा, सिर्फ उनके चुनाव रहे हैं। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि अर्जेंटली जो क्यू में रहते हैं वो लोग फौरन वहाँ पे छोड़ दें, एडवाइस किया गया है सरकार की तरफ से, जो क्यू में छात्र हैं इंडियन से वो फौरन वहाँ से चले जाएं किसी भी तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को सबसे पहले जरिया बताना चाहिए कि आखिरकार वो वहाँ से यूक्रेन से निकलेंगे कैसे? ये बात आपको समझ आ रही है, हमें समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, निकले कैसे? आपने तो कह दिया एडवाइजरी में, आज कहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके पद का साथी ने जानकारी दी कि आज एक और जारी की है कि आप निकलिए, ये शब्द कहना आसान है, निकलिए, जिम्मेदारी है कैसे निकलें, क्या सुविधाएं आपने दी हैं हमें निकलने के लिए, मिलो पैदल चलकर। कभी आप कहते हैं बंकर में रहिए, सुरक्षित रहिए अगर आतिशबाजी कुछ भी इस तरह की हमला होता है, और आप एकदम से एडवाइजरी फिर जारी करते हैं निकलिए, और कितना निकलिए, कितने मिलो तक चलिए, कब तक चलिए, तब आप सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, सरकार खुद बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है कि वहां पर कैसे सुरक्षित रखना है उनको, वहां से निकालकर मिलो चलवाकर बॉर्डर तक,
और बॉर्डर पे कौन सा मंत्री किस किस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं। और कभी आप कह रहे हैं बंकरों में रहे, और वो रह रहे हैं तो उनका खाना पीना, बहुत से छात्र बीमार भी पड़ गए हैं, मां बाप चिंता में हैं, रो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इस समय तो हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के हर सांसद को अपनी अपनी लोकसभा में एक एक हेल्प डेस्क लगाकर बैठ जाना चाहिए था कि मैं भाजपा का सांसद, मेरी सरकार, मेरा प्रधानमंत्री, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको निकाल कर लाएंगे, और अगर आपके ऊपर से टिकटों का पैसा भी वसूला जा रहा है वो पैसा हम देंगे। कहीं कोई आपको पूरे देश में दिख रहा है? आपको सारे सांसद सरकार के उत्तर प्रदेश में अंतिम दो चरण के चुनावों में शायद दिख जाएंगे। या प्लीज, सरकार का ये कहना उनके प्रवक्ताओं का कि सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, और अब तक सरकारें रही हैं और अब मौजूदा समय में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है सरकार का, और सरकार लगातार उन छात्रों को भी लेकर आ रही है। कल अपने चार मंत्रियों को भी बीजेपी ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार का दावा है सबसे बड़ा ऑपरेशन, विश्व में पहली बार, 70 साल में पहली बार। लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, इतिहास आपके सामने आपके एक मोबाइल के क्लिक पर है। आप लीजिए श्रेय, आप लीजिए श्रेय। अगर एक एक बच्चा सुरक्षित आता है तो हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे जाकर कि आपने बिना समय गवाए एक एक छात्र को उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा दिया है, आपने उन अभिभावकों की चिंता को दूर कर दिया, हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन 22-23 हजार छात्रों में से 2000 छात्रों को निकालकर आप लाइव हवाई जहाज में अपने मंत्रियों को भेजकर सेल्फी करवाकर उसका प्रचार प्रसार आपने शुरू कर दिया, अभी से जब 20 हजार छात्र फंसे हैं और मां बाप के आंसू नहीं रुक रहे हैं। बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन है, सच्चाई ये है हजारों छात्र अभी भी इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। सो संवेदनशीलता दिखाए सरकार को, कहूंगी श्रेय लेने की लड़ाई अभी छोड़ दें, सुरक्षित छात्रों को लाइए, हम सब उन अभिभावकों के साथ आपके स्वागत समारोह करेंगे, आपके गले में हार डालेंगे, आपके जिंदाबाद करेंगे, आपको धन्यवाद मोदी जी कहेंगे। लेकिन अभी श्रेय लेने का समय नहीं है, अभी गंभीरता से जिम्मेदारी से काम करने का समय है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से विफल होते हुए अभी तक दिख रही है, जो हमारे लिए, देश के लिए, अभिभावकों के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का। ये बाइक है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।